अभी हम लोग किस फार्म पर हैं? ये संथालडी मोड़ है, NH-32 के बगल में, और ये 3 एकड़ का एक प्लॉट है जिसमें लगभग 1.25 एकड़ में ये आप देख रहे हैं कि फसल लगी हुई है अलग अलग प्रकार की। कौन कौन सी फसल है यहाँ पर अभी फिलहाल? इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं ये किनारे में मैंने बॉर्डर क्रॉप के रूप में स्वीट कॉर्न लगाया है। अच्छा, बॉर्डर क्रॉप, इसका हाँ, क्या बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट है कि बाहर से जो पेस्टिसाइड आएगा, जो कीड़े मकोड़े आएंगे, उनका पहला अटैक बॉर्डर से, तो बॉर्डर में क्या बड़ा पेड़ होने से क्या होता है, वो उसी में उलझ के रह जाएंगे, तो अंदर में फसल को नुकसान नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये 2 लाइन भिंडी का लगाया है। ये सीजनल क्रॉप हो गया, मतलब ये सीजन के अनुसार भिंडी का है, तो अब इसमें फ्लावरिंग स्टेज पे ये आ गई है। और उसके बाद फिर 1 लाइन आप देख रहे हैं टमाटर है। तो इस फील्ड में, इस फार्म पर क्या क्या डाला गया खाद के रूप में? इसमें अभी तक हमने गोबर खाद डाला है और साथ में केचुआ खाद का भी प्रयोग किया है थोड़ी मात्रा में, और मैंने ट्राइकोडर्मा कम से कम 500 लीटर इसमें यूज किया है अभी तक। और जब कभी ये लगभग लगभग 2 महीना का ये फील्ड है, 2 महीना पहले हमने सब लगवाया था, और ट्राइकोडर्मा है, उसके बाद सूडोमोनास है और मेटेरिजियम है। तो मेटेरिजियम हम दवा के रूप में स्प्रे कर रहे हैं, और स्टिकर लगा हुआ है येलो स्टिकी ट्रैप। तो इसमें हमने देखा कि थोड़ा लीफ माइनर यहाँ पे है, और चूंकि हमारा लत्तर वर्गीय पौधे ज़्यादा हैं तो लीफ माइनर का अटैक होता ही है, तो हमने इसमें येलो स्टिक लगाया है। मतलब लीफ माइनर को छोड़कर और किसी भी कीट का प्रकोप? और अभी तक तो मतलब किसी तरह का कोई कीट नहीं नज़र पड़ा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वो रेड बीटल का आया था, तो हमने उसमें राख और केरोसिन मिला के छिड़काव किया था, तो वो एक बार में ही ख़त्म हो गया, फिर नहीं आया है अभी तक। तो मल्चिंग को आने वाले समय में कोशिश करेंगे? मल्चिंग में जैसे हमने एक दूसरे प्लॉट में प्रयोग किया है, पुआल जो होता है उसका हमने पराली से एक मल्चिंग किया है, उसका रिजल्ट हमने देखा है। तो आने वाले सालों में हम गेहूं का जो वेस्ट होता है और पुआल से हम मल्चिंग करेंगे, चूंकि प्लास्टिक से वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट, जैविक कृषि में प्लास्टिक से बेहतर रिजल्ट है। बहुत बढ़िया, चलते हैं फार्म के दूसरे एरिया में। हमने इस प्लॉट को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक प्लॉट में ये स्वीट कॉर्न है, भिंडी है, टमाटर है और तरबूज है। अब हम इस वाले पार्ट में देखेंगे तो किनारे किनारे इसमें भी स्वीट कॉर्न है, करेला है जिसमें फ्रावटी में नहीं, इसमें थोड़ा हल्का फुल्का हो रहा है। उसके बाद खीरा है, ये मिर्च है, बैगन है, फिर से मिर्च है, फिर से बैगन है। हम इस बार एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि क्रॉप चेंज करके, देखिए खीरा है अपने फार्म का हार्वेस्ट, आप देख सकते हैं इनका कलर, और एक भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, नहीं है, मतलब स्वाद भी जबरदस्त है, और ये साइज और भी बड़ा हो रहा है। तो इस पर हमने एक कोशिश किया है कि कीड़ों को जो अटैक होता है वो एक ही क्रॉप में ज़्यादा आता है, तो हमने क्रॉप को चेंज कर दिया, पहले करेला लगाया, फिर खीरा लगाया, फिर मिर्च लगाया, फिर बैगन लगाया, फिर मिर्च लगाया, फिर बैगन लगाया, फिर टमाटर लगाया, फिर कर, इस तरह से हमने एक पूरा पार्ट को, तो इससे मैंने देखा कि इस पर कीड़े मकोड़ों का अटैक जो है नहीं के बराबर है। बहुत बढ़िया, एक सिर्फ लीफ माइनर का थोड़ा मोड़ा यहाँ पे असर है, ये मैं बोल सकता हूँ, आप देख पा रहे होंगे पत्ता में जो सांप के आकार का, तो येलो स्टिकी ट्रैप से वो कंट्रोल हो गया है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये झींगी है, आप देख सकते हैं सारे में झींगी है, और बड़ा बेहतर है, हर गांठ में झींगी के आप देख रहे होंगे पकड़ लिया है। वहाँ पर 3G कटिंग भी आपने किया है सारे में, जितना भी ये लौकी है आगे में, तो हमने उस पर 3G कटिंग किया है, और कम से कम 70-80 उसमें उसकी लगी है फलें, जो अगले 1 सप्ताह में तैयार हो जाएंगे तुड़ाई के लिए। और इसमें 3G कटिंग किया था इस लौकी में। पहले तो बताइए कितने पौधे हैं, मतलब कितने पौधे? लगभग 4 से 5 बीज हमने डाला था।
अच्छा, वो इतना फैल गया पूरा कवर, पूरा ही उस पर फैल के ये कवर हो गया है। तो उस समय वो ड्रिप नहीं लगा था, तो हम इसको बाहर में ही लगाए थे और यहाँ से पानी हल्का हल्का दे रहे थे। तो इसमें मैंने 3G कटिंग किया था आज से लगभग 1.5 महीना। तो आप जो देख पा रहे हैं, 3G कटिंग क्या होता है? 3G कटिंग एक कटिंग करने का टेक्निक्स है जो लौकी या लखतर वर्गीय में यूज होता है। उससे क्या होता है कि फलों की संख्या बढ़ जाती है, जहाँ आपको 10-20 फल मिलते हैं 3G कटिंग से, वो सैकड़ों में आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए ये है, ये है, सिर्फ फल ही फल फल पकड़ा। मतलब लोगों का लत्तर बहुत फैल जाता है लेकिन फल नहीं पकड़ता है। ये देखिए, ये भी, इसमें भी लौकी आएगा, इसमें भी लौकी आएगा, ठीक है। तो आप जिधर देखेंगे पूरा लौकी, इसमें कुछ मेल फीमेल का कंसेप्ट होता है ना? इसमें वही उसी को ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे देखिए ये है ना, देखिए हर गांठ में है, एक इसमें भी है, एक आगे भी आएगा। बस 3G कटिंग का यही फायदा है कि आप एक बार करेंगे तो जो फल पौधे से आप 10 का उम्मीद रखते हैं, वह 100 फल का उम्मीद रख सकते हैं। और इसमें खाद पानी बराबर लगेगा तो इसमें और भी ज़्यादा फलन होगा। तो ये 3G कटिंग बहुत बढ़िया इसमें रिजल्ट दे रहा है। और लौकी की साइज़ भी बहुत है, लगभग 2.5 फीट का साइज़ है और लगभग 1.5 किलो का है। और मचान के रूप में थोड़ा बना दिया गया है, मचान के रूप में हमने दिया है कि रिजल्ट थोड़ा सा और लंबाई जो हो इसका अच्छा हो। देखिए अच्छा। देखिए ये अभी 1 फीट जैसा होगा है ना, लेकिन आप देख पा रहे होंगे, देखिए वहां पे कितना लंबाई एकदम लाइन, अभी इसमें साइज नहीं आया अपना, मतलब मोटाई नहीं, लंबाई ले रहा है, ठीक है। और ये लगभग हमने कल एक तुड़ाई की थी, 2 फीट से ज्यादा था। अच्छा अच्छा, 3G कटिंग किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर कोई किसान करना चाहेंगे तो संपर्क कर सकते हैं, चलिए हम उनको 3G कटिंग सिखाने में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसमें भी हमने बॉर्डर में स्वीट कॉर्न ही लिया है, फिर करेला लिया है, फिर झिंगी ली है, फिर खीरा है और फिर लौकी है। देखिए लौकी में फल है, अभी जस्ट ये लगना शुरू हुआ है। अच्छा, 2 महीने पहले अभी खेत की तैयारी में किया था, लगाया था। और सूर्यमुखी भी उधर दिख रहा है, ऐसा लोग आते हैं, फूल पत्ती लोगों को आकर्षित करता है। तो हमने ये, और इसे भी शायद ट्रैप क्रॉपिंग के लिए इस्तेमाल, सूर्यमुखी से भी होते हैं जो बैड इंसेक्ट होते हैं, जो हानिकारक कीड़े होते हैं, वो सूर्यमुखी के फूल की ओर आकर्षित होते हैं तो उधर की ओर नहीं जाते हैं। इसलिए हमने एक पूरा एक घेरा जो है सूर्यमुखी का लगाया है। और बात साथ में और भी कुछ है, हमने ये बांस और बिचाली का एक छोटा सा कॉटेज बनाया है जैसे देख पा रहे हैं। और इसमें पूरा जो भारतीय संस्कृति में है वो चारपाई है, और चूंकि ये झारखंड का है तो झारखंड की संस्कृति यहाँ पे आपको इन दीवालों में उकेरी गई है। धान लगाते हुए, बैल से जुताई करते हुए, गौरांग महापौर सोहराई पर्व में होता है, आदिवासी नृत्य करते हैं, खुशी मनाते हैं, वो सब भी आप देख पा रहे हैं। और ये सारा मतलब लोकल लोगों से करवाया गया है। ये जो फर्श भी है आप देख रहे होंगे कितना सुंदर है, और मिट्टी गोबर और राख का प्रयोग करके इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। बैठने के लिए भी परंपरागत हमने एक बांस का बेंच की जैसा है कि आप आके यहाँ बैठ सकते हैं, आरामदेह है, और यहाँ से बाहर का नज़ारा ले सकते हैं, खूबसूरत लगता है। तो लोग आते हैं, 2-1 घंटा बैठते हैं। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद इस फार्म हाउस के यात्रा कराने में। मतलब यहाँ पर टेक्निकली बहुत चीजों को सोच समझ कर इम्प्लीमेंट किया गया है, और ये फार्म हाउस को ये थोड़ा सा दूर से देखा जाए ये बड़ा ही सुंदर लग रहा है। इसके कारीगर जो है बोकारो के ही हैं सभी। ये देखिए हमने ड्रिप लाइन का पूरा सेटअप किया हुआ है, यहीं से पानी सप्लाई होता है पूरे फार्म पे, और जो टपक विधि बोलते हैं, टपक सिंचाई उसको बोलते हैं। और ये देखिए झारखंड की संस्कृति का झलक इन दीवालों में है, और हमारे वेदों में पतंजलि अष्टांग योग, तो उसमें देखिए सूर्य नमस्कार का जो 12 स्टेप्स होता है वो सारा 12 स्टेप्स इसमें दर्शाया गया है।
प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पद्महस्तासन, वाम अश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणी अश्व संचालन, पाद, मैंने एक पूरा एक 12 स्टेप्स है अलग अलग। तो योग में भी, चूंकि मुझे योग में भी बड़ा इंटरेस्ट है, बच्चों लोगों को सिखाता भी हूँ। अच्छा, यहाँ पर लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, योग करते हैं? हाँ, कुछ फैमिली आते हैं सुबह सुबह, जिनको एक घंटा जैसा ही है। ये देखिए एक बहुत है ढेकी, इसको फार्म पर असली का भी हमको लगता है। एक आने वाले समय में हम यहाँ पे एक बात हुआ है कि एक ढेकी यहाँ पे सचका लगाएंगे और वहाँ से धान से कैसे चावल निकाला जाता है वो करेंगे। और ये सारे हुल नृत्य है यहीं पे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।